बच्चे कहेंगे प्याज नहीं खाना चाहिए, माता जी कहती है क्यों नहीं खाना चाहिए, आपका ज्ञान चाहिए, एक बार बताना, फिर वो खाते खाने जो, अगर आप नहीं खिलाएंगे तो मार्केट में जाके खाएंगे, ना नहीं करना, एक बार बताना इसके अंदर ये चीज है, खाना हो तो खा लो, उसका असर उनके ऊपर, माता को परिवार में बताना जरूर है एक बार, है ना। अगर वो नहीं, आपको पता है नहीं खाना चाहिए, खा लो, फिर कुछ होने के बाद पता चलेगा। अब यहां एक चीज है, डॉक्टर भी कहता खाओ प्याज लहसुन, क्यों कहता है, हाँ जिसको हृदय रोग है, आर्टरी पांच नसें इधर वो ब्लॉक हो जाती है, जैसे बाथरूम के टाइल्स नली बंद हो गया तो पानी, गर्म पानी डालेंगे ना, एसिड डालेंगे ना साफ करने के लिए, ये भी नली साफ करने के लिए गर्म, ये एसिड जो प्याज लहसुन है ना गर्म है, वो उसका रस वो खा लो कहते हैं, है ना। जैसे तो एक ही नहीं, डॉक्टर गलत नहीं बोल रहा, सही बोलता है, लेकिन विदेश में पढ़ के आया तो विदेश का ज्ञान है, तो उसका अलग भी चीज हो गया ना। जैसे एक सन्यासी था, एक सन्यासी को बोन टीबी हो गया, मतलब सारी हड्डी पोली हो गई, डॉक्टर ने कहा अगर आप जीना चाहते हो तो आपको रोज एक अंडा खाना चाहिए, तो क्या करे, उसने कहा मैं अंडा नहीं खा सकता, तो आप जी नहीं सकते हो, तो क्या करना चाहिए बताओ, आपने सुना हमने, हाँ देखो माता जी। तो उसने क्या किया, डॉक्टर ने अभी कहा खाना ही चाहिए, क्या करें, तो फिर उसने और एक डॉक्टर को पूछा, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को पूछा, उसने कहा हाँ कि मक्खन के अंदर, अंडे के अंदर क्या चीज है, वही आपको मक्खन में मिलेगा, मक्खन खा लो, हर चीज का सब्स्टिट्यूट है। जैसे हार्ट की नलियां बंद हो गई, प्याज ही खाने की जरूरत नहीं, उसके जगह पर आप दालचीनी का पाउडर, बहुत गर्म चाय में थोड़ा रोज दालचीनी का पाउडर डालते जाओ, अनार, अनार का जूस पीते चलो एक महीना दो महीना तक, नहीं तो सूखा अनार का बीज मिलता है, अनार दाना कहते हैं उसको, उसको पानी में उबालो अच्छी तरह से, रोज थोड़ा आधा ग्लास पानी उसका पीते रहो, उससे भी आर्टरीज खोल सकते हैं, उसके अलग तरीका, यही एक ही खाना चाहिए ऐसा नहीं, अगर कुछ नहीं है तो वही खाना पड़ता है, हर चीज का निवारण है ये, नहीं तो ये। लेकिन दो तीन डॉक्टर को पूछना, एलोपैथी एक ही डॉक्टर नहीं, आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो इसका निवारण क्या है, समझ में आया।